पुलिस की कार्रवाई के बाद नक्सलियों ने अपना जवाब एक कदम आगे बढ़ के दिया। इस नक्सली हमले में 16 जवान मारे गए हैं और साथ ही साथ नक्सलियों ने हैरतअंगेज कारनामा दिखाया है। पुलिस टीम के सब इंस्पेक्टर अर्जुन का अभी तक कोई पता नहीं चला है और ना ही उनकी लाश मिली है। मैं सीमा, कैमरामैन आलोक के साथ वन नेशन के लिए सोनभद्रा उत्तर प्रदेश से। सोचो सावन भादो या फिर माघ पूस की रातों को, जिनके पास है कोठी बंगले समझेंगे क्या इन बातों को। तुम ही समझो, तुम ही जानो अपने इन जज्बातों को। कैसे कैसे बरसों बरस कितनी तकलीफें उठाते हैं वो, महलों में रहते हैं हम, जंगल में रैन बिताते हैं, आवाज उठाने पर अपनी नक्सलवादी कहलाते हैं। क्या कर रहे हो? अरे अरे ठोक इसको, ठोक। ठोकना होता तो वहां नहीं ठोक देते। चलो दो बंदूक मुझे, बैठ जाओ चुपचाप बैठो। क्या लगता है तुम्हें, हम एक आजाद देश के नागरिक हैं? ये सचमुच की आजादी है जिसके कानून अंग्रेज बना गए थे? तुम तो पुलिस वाले हो, ये तो जानते ही होगे। पुलिस एक्ट सन 1858 में अंग्रेजों ने सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाया था ताकि वो मजबूर हिंदुस्तानियों पर जुल्म कर सके, और इसलिए बनाया था क्योंकि वीर कुंवर सिंह ने सन 1858 में क्रांति के लिए विद्रोह कर दिया था। आज भी पुलिस जब चाहे जहां चाहे किसी को भी मार पीट सकती है, कोई उफ तक नहीं कर सकता, कोई आवाज तक नहीं उठा सकता। अगर गलती से भी किसी ने आवाज उठा दी तो उसको 6 महीने तक की जेल हो सकती थी। उनके पास है महल अटारी भरी हुई तिजोरी है, उनके पास है महल अटारी भरी हुई तिजोरी है, दो मुट्ठी अनाज हम ले लें तुरंत कहेंगे चोरी है। दौलत का नशा है उनको, पैसों की खुमारी है, कोठी पर कोठी बनाते यही उनकी बीमारी है। सच्ची बात कहें जब उनको नक्सलवादी कहलाते हैं। जरा सोचो, अगर तुम्हें किसी निर्णायक परिस्थिति में स्वयं से कोई फैसला लेना पड़ जाए तो क्या तुम ले सकते हो? नहीं, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि तुम एक ऐसी मशीन हो जिसका रिमोट सीधे उन नेताओं के हाथों में है जो तुम्हें जब चाहे जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर तुम्हारे कार्यक्षेत्र में एक भी अपराध हो जाए तो उसका ठीकरा सीधे तुम्हारे सर पे फोड़ दिया जाता है। ये आजादी की मशाल हम अपने हाथों में तब तक उठाए रहेंगे जब तक कि इसमें समानता की बयार नहीं बह जाती, जब तक इस देश से सड़ा हुआ कानून भाग नहीं जाता। ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है, लोग दिन ब दिन जुड़ते जाएंगे, कारवां बनेगा और एक दिन पूरा देश इस आग में जल उठेगा और इन करप्ट नेताओं को इसी आग में जलाकर भस्म कर देगा। कॉमरेड, क्या करना है इसका? छोड़ दो इसे। देखिए मिस जानकी, बहुत आशा के साथ हमने आपको यहां बुलाया है। आप में वो दम है, सूझबूझ है, साहस है, काबिलियत है जो इन नक्सलियों का सफाया करने के लिए काफी है, लेकिन अब हम थोड़े से निराश हो रहे हैं। सर, निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, हमारा डिपार्टमेंट इन्फॉर्मेशन के आधार पर चलता है और वो इन्फॉर्मेशन हमें IB ऑफिसर्स और स्टेट पुलिस के थ्रू मिलती है, लेकिन वो लोग आजकल हमें इन्फॉर्मेशन देते ही नहीं है। हम तुम्हारी प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझते हैं जानकी, लेकिन हमारा बहुत भरोसा है तुम पर कि इस राज्य को इन नक्सलियों से तुम मुक्त करवा सकती हो। सर, माय ड्यूटी इज टू सर्व द कंट्री एंड प्रोटेक्ट इट। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ, बट आज हम आपसे वादा करते हैं आगे चल के
कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़े, जैसे कि किसी चीज का ऑर्डर चाहिए या कोई इंफॉर्मेशन चाहिए या फिर ताकत की जरूरत पड़े, आप डायरेक्टली हमें कॉन्टेक्ट कीजिए। लेकिन इन नक्सलियों का सफाया होना बहुत जरूरी है। थैंक यू सर, मैं आशा करती हूँ कि अब आपको कभी निराशा नहीं होगी। थैंक यू। गोपाल, मुझे नक्सलाइट्स अफेक्टेड एरिया में चप्पे चप्पे पे सैटेलाइट कैमरा चाहिए और मॉनिटरिंग तुम खुद करोगे। यस मैडम। मुझे एक एक पल की रिपोर्ट चाहिए। यस मैडम, मिल जाएगा। और सुनो, मुझे अपने लिए कुछ नेटवर्क चाहिए, दे सकते हो? श्योर मैडम, लेकिन कुछ वक्त लगेगा। नो प्रॉब्लम, बट ट्राई टू मेक इट फास्ट। ओके मैडम। ये है गुरु, ये नक्सलियों का ब्रेन माना जाता है। और ये नैना, नक्सलियों की महिलाओं की विंग की कमांडर। और ये गूंगा, बोल नहीं सकता मगर इतना खतरनाक कि किसी का गला काटना इसके लिए खेल है। और ये शख्स है इनका लीडर, इनका नाम माणिक चटर्जी है। ये एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर थे, लेकिन इनके नक्सल से जुड़े होने का कोई पुख्ता सबूत हमारे पास ना होने की वजह से हम चाहकर भी इनका कुछ बिगाड़ नहीं सके। मिस्टर चटर्जी। जी कहिए। यू आर अंडर अरेस्ट। मेरा अपराध? आप पर इल्जाम है कि आप नक्सलाइट्स के चीफ कमांडर हैं और आप उन्हें नक्सल एक्टिविटीज के लिए गाइड करते हैं। देवी जी, आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, ना ही अपराधियों के साथ मेरा कोई रिश्ता है। मैं एक शिक्षक हूँ, शिक्षा का प्रचार करता हूँ पूरे प्रदेश में, और गरीब और कुचले हुए लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करता हूँ। ये मेरा धर्म है। अगर ऐसा करना अपराध है तो मैं अपराधी हूँ। I'm so sorry sir, लेकिन अभी आपको हमारे साथ चलना होगा। Please cooperate. I am sorry madam, but आप ऐसा नहीं कर सकती। आप मानिक सर को गिरफ्तार नहीं कर सकती। अर्जुन, are you mad? तुम एक नक्सलाइट लीडर को प्रोटेक्ट कर रहे हो? No madam, this is wrong. मानिक सर उग्रवादी नहीं हो सकते। ये हमारे शिक्षक रहे हैं। इनकी शिक्षा अगर गलत होती तो मैं आज यहाँ खड़ा नहीं होता। मैं अपनी आंखों के सामने गुरु को गिरफ्तार होते हुए नहीं देख सकता। गुरुदेव आप जाइए, मेरे होते हुए कोई आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता। पापा, क्या आप माणिक चटर्जी के बारे में जानते हैं? माणिक चटर्जी, प्रोफेसर माणिक चटर्जी कहो, ग्रेट मैन। पापा, आप उन्हें कैसे जानते हैं? मैं प्रोफेसर चटर्जी को कैसे जानता हूं? वो मेरा लास्ट ईयर कॉलेज का था जब प्रोफेसर चटर्जी हमारे कॉलेज में आए। जितना उनके चेहरे पे तेज था उतनी ही उनकी आंखों में करुणा थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो नक्सलाइट ग्रुप के चीफ हैं? किसने कहा तुमसे? किसने कहा कि प्रोफेसर चटर्जी नक्सल चीफ हैं? वो गरीबों के चीफ हैं, वो पीड़ितों के चीफ हैं, वो शोषितों के चीफ हैं। प्रोफेसर चटर्जी ने उनको अपनी आवाज उठाना सिखाया। प्रोफेसर चटर्जी ने उनको अपने हक के लिए लड़ना सिखाया। जिंदा तो वो पहले भी थे, लेकिन प्रोफेसर चटर्जी ने उनको जीना सिखाया। उनमें इतनी हिम्मत डाली कि वो वर्ग आज स्वाभिमान से अपने आप को देखती है और तुम कहती हो कि वो अपराधी है। अब चंदर आपसे कुछ कहेगा। आओ चंदर, खुश रहो।
दोस्तों, पहले तो मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं, लेकिन उसके साथ साथ मैं एक बात और आप सबको बताना चाहता हूं कि हमें अब एक होना पड़ेगा। अब वक्त आ गया है कि हम टुकड़ों में न लड़कर एक होकर लड़ें। अगर इस जंग को जीतना है तो हमें एक होना पड़ेगा। हमें छोटे छोटे मतभेद भुलाने होंगे, और हमने अगर लाल झंडे को एक बना दिया तो सरकार तो क्या, दुनिया की कोई भी ताकत हमें इस जंग को जीतने से नहीं रोक सकती। पर हमारा लीडर कौन होगा? हमारा हर कॉमरेड खुद का लीडर है, क्योंकि हम अपने आप को एक सिपाही समझते हैं, और सिपाही का काम होता है सिर्फ और सिर्फ लड़ना। लाल सलाम। एक जरा सी भी दूरी ना रहे अब दरमिया। आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। लाल सलाम। लाल सलाम।